आज की आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं कुछ इगुआनास, जैसे कि ब्लू इगुआना बेबीज, रेड इगुआना एडल्ट, और इसी के साथ ही ग्रीन इगुआना सेमी एडल्ट, ग्रीन इगुआना के बेबीज। इसी के साथ आपको दिखाएंगे कुछ गिनी पिग्स, जैसे कि एबिसिनियन गिनी पिग, सिल्की, पेरुवियन, हर तरह के गिनी पिग्स की वैरायटीज आज हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि आपको इस वीडियो में शो करेंगे। इसी के साथ आपको दिखाएंगे फेरेट्स के बेबीज, कुछ रैबिट्स के स्पीशीज और भी बहुत सारे एग्जॉटिक पेट्स आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द गिनी पिग्स। तो गिनी पिग्स हुए हमारे पास सिल्की गिनी पिग्स हैं, एबिसिनियन गिनी पिग्स हैं और पेरुवियन गिनी पिग्स हैं। इसके अलावा जो भी आपको नियरेस्ट शॉप पर देखने को मिलते हैं, जो कि प्राइस में बहुत चीप रहते हैं, वो नॉर्मल गिनी पिग्स होते हैं। दैट विल कॉस्ट अबाउट 1500-1600 पर पेयर, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास है एबिसिनियन गिनी पिग्स, सिल्की गिनी पिग्स और पेरुवियन गिनी पिग्स। तो सबसे पहले इनमें डिफरेंस जान लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। जो सिल्की गिनी पिग्स होते हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं वो स्ट्रेट रहते हैं एंड दे कैन ग्रो अप टू 12-18 inches, कई बार ज्यादा भी बड़े ये हो जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ग्रूम देम। तो ये जो बेबी आप देख रहे हैं, ये सिल्की गिनी पिग का बेबी है, और हेयर्स अभी इसीलिए इतने बड़े नहीं है बिकॉज ही इज अ बेबी। जैसे जैसे बड़ा होगा, इसके जो हेयर्स होंगे वो काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। और ये भी इसके साथ सिल्की गिनी पिग है, सेम विद हिम, कि जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे इसके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द ओनर कि वो कैसे इसकी केयर करते हैं, और केयर पर ही डिपेंड होता है कि जो इनके हेयर्स होते हैं उनमें टेंगलेशंस तो नहीं आ रही हैं, क्या आप उनको सही तरह से कॉम कर रहे हैं ताकि हेयर जो है उनके काफ़ी ज़्यादा बड़े और ब्यूटीफुल रहें, साफ रहें। इसके बाद जो ब्रीड आती है वो आती है पेरुवियन गिनी पिग। ये जो आप देख रहे हैं पेरुवियन गिनी पिग, इनके जो हेयर्स होते हैं स्पाइकी हेयर्स होते हैं, लाइक हेयर्स जो होंगे वो अपनी जगह से कर्व्ड होंगे, कुछ खड़े पैटर्न में होंगे। और सेम विद दीज गाइज कि इनके जो हेयर्स रहते हैं, इनके हेयर्स भी सेम 12-14 inches, 18 inches, डिपेंड करता है कि कस्टमर उसको कैसे केयर करता है। तो पेरुवियन गिनी पिग के हेयर्स भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये जो होता है इनमें स्पाइरल्स रहते हैं, एक तरह के कर्व्स रहते हैं, जिसके कारण इनको पेरुवियन गिनी पिग बोला जाता है। आप देख सकते हैं कि इसके जो हेयर्स हैं कहीं से खड़े हैं, कहीं से बैठे हैं, कहीं से एक ही तरह का फ्लोरल पैटर्न आ रहा है। सो दीज आर नोन एज पेरुवियन गिनी पिग्स। नाउ एबिसिनियन गिनी पिग्स हम किसने बोलेंगे। एबिसिनियन गिनी पिग इज सेम लाइक द पेरुवियन गिनी पिग, बस फर्क उनमें इतना होता है कि उनके जो हेयर्स होते हैं वो छोटे रहेंगे, और पेरुवियन के हेयर जो है सेम पैटर्न में बहुत बड़े हो जाते हैं, लाइक आप जितने चाहें उनके 12 इंच 14 इंच हेयर्स रख सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको उनकी कैसी लुक चाहिए। सी, ये जो गिनी पिग है, दिस इज द एबिसिनियन गिनी पिग। ये जो गिनी पिग आप देख रहे हैं, दिस इज एबिसिनियन गिनी पिग। सेम फ्लोरल पैटर्न्स हैं, लाइक देखिए यहाँ से ये जो पैटर्न्स हैं यहाँ से रेज कर रहे हैं, यहाँ से नीचे को जा रहे हैं, ये बनाए नहीं गए हैं, ये बाय बर्थ ही ऐसे हैं। और आपको दिखाता हूँ कि एक यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर भी ऐसे ही है, बाल कहीं से खड़े हैं, कहीं पे बैठे हैं। पेरुवियन गिनी पिग के भी सेम रहते हैं, लेकिन पेरुवियंस के काफ़ी बड़े हो सकते हैं, इनके बड़े नहीं होते। इनके जो हेयर्स हैं सिर्फ इतने ही रहते हैं, इसी कारण इनकी कॉस्टिंग भी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू द पेरुवियंस एंड सिल्कीज। तो ये जो सिल्की गिनी पिग है, अभी शायद आपको इसमें समझ ना आ रहा हो वीडियो में कि कैसे हेयर्स होते हैं, मैं एक वीडियो साथ में या कोई फोटो अटैच कर दूंगा जिसमें आपको सिल्की पेरुवियन और एबिसिनियन की जो एडल्ट में जो डिफरेंस आता है वो पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास है सिल्की गिनी पिग वाइट का पेयर, और इसमें और भी हमारे पास सिल्कीज अवेलेबल रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आप वीडियो में देख रहे हैं आपको सेम टू सेम ही जो है पिग्स मिलेंगे,
आपको एक अलग तरह के पैटर्न्स भी, अलग तरह के कलर्स भी अवेलेबल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर्स डिमांड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्राइस। तो जो सिल्की गिनी पिग रहेगा वो रहेगा 11,500 रुपए प्लस डिलीवरी चार्जेस। जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस होंगे वो अलग ही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं सिल्की गिनी पिग अगर कोई स्टोर से पिकअप करता है तो उसको कोई भी चार्जेस, जो शिपिंग चार्जेस हैं, देने की ज़रूरत नहीं है। तो 11,500 फॉर अ पेयर फॉर द सिल्की गिनी पिग्स। बहुत ही प्यारे गिनी पिग्स आप देख सकते हैं। और इसके साथ आपको लाइव अराइवल गारंटी मिलेगी, फ्री फूड मिलेगा, मेडिसिन मिलेगी, जो भी डॉक्टर पेट्स वाला पर फ्री रहता है इनके लिए वो सब आपको फ्री में साथ में मिलेगा। हमारे पास और भी कलर्स अवेलेबल रहते हैं, कस्टमर हमें मैसेज कर सकते हैं जानने के लिए कि फिलहाल में कौन से कलर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। ये जो है पेरुविन गिनी पिग है और ये भी पेरुविन गिनी पिग है। तो आप इनकी ब्यूटी देखिए, पेरुविन गिनी पिग की ब्यूटी हमेशा हटके रहती है, सिल्की से भी अलग ही रहती है। हालांकि सिल्की जब अपने बालों को ग्रो कर लेते हैं तो सिल्की ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, लेकिन बचपन में ये लोग ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। तो अगर हम बात करें पेरुवियंस की, तो पेरुवियंस विल कॉस्ट यू 12,500 फॉर अ पेयर एंड इसमें जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस होगा वो लग रहेगा 12,500 फॉर अ पेयर विद लाइव अराइवल गारंटी, फ्री फूड, मेडिसिन। आप देख सकते हैं कि पेरुवियन गिनी पिग्स के स्पाइक्स हैं, जैसे कि आपको बताया था कि इनके स्पाइक्स होते हैं अलग अलग जगह से। जब भी आप हमारे से कोई भी पेट खरीदते हैं तो ऑर्डर देने के बाद हम आपको पूरी डिटेल्स देते हैं उनके केयर के बारे में, उनके मेंटेनेंस के बारे में, उनको कैसे रखना है, नहलाना है, नहीं नहलाना है, कितना फूड देना है, कौन सा फूड देना है। तो ऑर्डर करने के बाद हम सारी आपको डिटेल्स भी उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी पेरुविन गिनी पिग था जिसकी कॉस्टिंग आपको 12,500 बताई। इसके बाद हमारे पास आता है एबिसिनियन गिनी पिग। एबिसिनियन गिनी पिग भी जो है वो पेरुविन की तरह ही सेम रहता है, लेकिन इनके बाल बड़े नहीं होते, इनके बाल इतने ही छोटे ही रहते हैं। कई लोग एबिसिनियन को पेरुविन बोल के भी बेच देते हैं, बिकॉज बचपन में एबिसिनियन को और पेरुविन को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो कई लोग ऐसे हैं जो फायदा उठाकर एबिसिनियन को ही पेरुविन बोल के बेच देते हैं, लेकिन मैंने आपको इसका डिफरेंस साफ साफ दिखा दिया कि जो एबिसिनियन होते हैं उसके हेयर्स कंपैरेटिवली छोटे रहते हैं और पेरुवियंस के जो हेयर्स रहते हैं, ये देखिए मैं आपको दोनों में एक बार डिफरेंस दिखाता हूँ, ये पेरुवियन और एबिसिनियन, ये पेरुवियन और एबिसिनियन दोनों इकट्ठे हैं। तो जो पेरुवियन के बाल हैं एबिसिनियन के मुकाबले काफी बड़े हैं। एबिसिनियन की जो कॉस्टिंग रहेगी दैट विल बी 4,000 फॉर अ पेयर, ओनली 4,000 रुपये, और इसके साथ ट्रांसपोर्ट जो होगा वो चार्जेस वो अलग से होंगे। तो आपने देखे ये गिनी पिग जिस वीडियो में, आगे भी आपको बहुत सारे एक्जॉटिक पेट्स हम दिखाने वाले हैं। तो ये छोटे से कंटेनर में मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे सिल्की गिनी पिग, क्योंकि कोई भी अपनी वीडियो में बताता नहीं है सिल्की क्या है, पेरुवियन क्या है, एबिसिनियन क्या है, नॉर्मल क्या है, टेक्सला क्या है। अभी टेक्सला और एक दो वैरायटीज और होती हैं हमारे पास, वो नहीं है, बहुत ही जल्दी आएंगी तो आपको दिखाई जाएंगी। तो मैंने इसीलिए आपको, फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पेट यू आर सीइंग द एक्जॉटिक पेट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेलिंग एक्जॉटिक पेट और एक्जॉटिक रेप्टाइल इन द इंडियन मार्केट। सो दीज आर द इगुआनास, बहुत ही कॉमन है, आप देखकर एक मिनट में पहचान सकते हैं कि ये इगुआनास हैं। और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे ग्रीन इगुआना, ब्लू इगुआना, और एडल्ट में आपको दिखाएंगे ग्रीन इगुआना और रेड इगुआना। और इसके साथ ही हमारे पास लुटिनो इगुआना, क्रिम्सन और सभी तरह के म्यूटेशंस अवेलेबल होते हैं। अभी फ़िलहाल में हमारे पास इन स्टॉक जो है वो ग्रीन इगुआना और ब्लू इगुआना है। तो जैसे कि आपको पता है कि इगुआनास को घर में पालना बहुत ही आसान है, जस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड टेम्परेचर। बस इतना ही इनका ध्यान रखना होता है कि आपको टेम्परेचर एक कांस्टेंट देना है, क्योंकि साथ ही अगर आपको इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर वी गिव ऑल द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू आवर कस्टमर। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वी विल डिस्कस द प्राइस डायरेक्टली। द ग्रीन इगुआना वी आर गिविंग एट 8,500 फॉर सिंगल, मार्केट प्राइस से कम प्राइस हमने इसका रखा हुआ है 8,500 फॉर सिंगल। एंड द ब्लू इगुआना यू आर सीइंग
we are quoting 23,000 for the blue iguana. Size, if we will talk, size is approximate 14 inches for this. और आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई एक अलग सा पेट पालना अपने घर में, तो यू मस्ट गो फॉर दीज क्यूट लिटिल क्रिएचर्स iguanas. टू द पार्ट ऑफ एडल्ट iguanas, तो हमारे पास एडल्ट iguanas, सेमी एडल्ट iguanas सब तरह के साइजेस में अवेलेबल रहते हैं. दिस वीडियो शूट इज़ गोइंग ऑन एट नाइट, तो इसलिए अभी iguanas को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं करूँगा मैं. अगर अभी ये दिन का टाइम होता तो पक्का आपको बाहर निकाल कर दिखाते. दिस आर द फुली टेम्ड iguanas. दिस इज़ द रेड iguana एंड द अदर iguana आई विल शो यू. दिस इज़ द ग्रीन iguana. ही इज़ द मेल. द ग्रीन iguana इज़ द मेल and the other one is the female. Let me show you his tail. And abhi hamare paas adult mein green iguanas aur red iguanas available hain. For the green iguanas we are quoting 25,000 for single, and for the red iguana here we are quoting 35,000 for single. This iguana size is approximate 30 to 35 inches. और इसके साथ में मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको जो है ये जो है iguanas डॉक्यूमेंट्स के साथ ही अवेलेबल होंगे परिवेश पोर्टल के. और हम किसी भी इलीगल एनिमल की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. जितने भी हमारे पास पेट्स हैं सभी लीगल पेट्स रहते हैं. इंडिया की किसी भी स्पीशीज़ को पालना, कैद करना, बेचना, खरीदना सब कानून जुर्म है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. So these were the adult iguanas I was showing to you. Now moving to the next pet, I will show you some another exotic pets. Friends, the third exotic pet we are showing to you is the dwarf hamster. Yes, this is an exotic pet क्योंकि ये जो pet है इसका भी origin India में नहीं है. ये बाहर से ही import हुए थे और अब India में breed होते हैं. इनकी कॉस्टिंग जो होती है रेंज से होती है काफ़ी कम रहती है एज कम्पेयर टू द iguanas एंड अदर कॉस्टली पेट्स, लेकिन फिर भी एग्जॉटिक पेट्स के अंडर ही कवर होते हैं. और मैक्सिमम हॉबिस्ट अपने इंपोर्टेड पेट को रखने की हॉबी को हैमस्टर्स से ही शुरू करते हैं क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं और इसी के साथ इनकी केयरिंग करना भी आसान रहता है. तो स्टार्टिंग विद द जीन्स हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से हैमस्टर की कौन सी जीन्स हैं उसका क्या बोलते हैं. जो नॉर्मल कलर है उनको तो सबको प्लेन कलर ही बोलते हैं. जैसे ये वाला है इधर, ये है अर्जेंटे, ये वाला है ब्लैक, और इसी के साथ ही जो वाइट होगा वो वाइट. लेकिन जब हम इसमें आगे म्यूटेशंस की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आते हैं नॉर्मल मॉटल्ड और हाई मॉटल्ड. मॉटल्ड का मतलब है पाइड, जिसमें एक से ज्यादा कलर हो. तो आप जैसे देख रहे हैं कि जिनमें भी एक से ज्यादा कलर हैं वो सब पाइड या मॉटल्ड कहलाते हैं. तो अभी क्या है कि इसमें जैसे आप देख रहे हैं ये वाले ड्वार्फ हैमस्टर में कि जो डॉट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द बॉडी. इसमें भी और भी जिनों में जो इनके डॉट्स होते हैं कलर की मार्किंग्स होती हैं ऑल ओवर द बॉडी बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं ऑल ओवर द बॉडी, वो हाई मॉटल्ड में आती हैं. और जैसे आप ये वाला हैमस्टर देख रहे हैं, ये वाला अर्जेंटे हैमस्टर, ये वाला, इसमें क्या है आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ दो ऐसे करके मार्किंग्स है वाइट, बाकी पूरा का पूरा प्लेन कलर है. तो इसको जो है हम नॉर्मल मॉटल्ड में गिनते हैं, नाम यानी कि नॉर्मल पाइड. ये बहुत ज़्यादा हाई पाइड नहीं है, इसको नॉर्मल पाइड में गिनेंगे. तो हमने इसमें तीन वैरायटीज डिस्कस की, नॉर्मल, उसके बाद नॉर्मल मॉटल्ड और हाई मॉटल्ड. तो इसमें ये वाला जो आप हाई मॉटल्ड देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट, इसको बोलते हैं पांडा, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग ड्वार्फ हैमस्टर और वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट भी कह सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल भी कह सकते हैं. सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की रहती है मार्केट में. तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो है इसको पांडा कहते हैं, पांडा ड्वार्फ हैमस्टर. तो इसकी जो कॉस्टिंग होती है जितने भी हाई मॉडल हैं उसकी कॉस्टिंग है 6,000 पर पेयर इंक्लूडिंग शिपिंग पैकिंग टू ऑल ओवर इंडिया.
इसके बाद जो नॉर्मल मॉडल हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है डॉट्स की और थोड़े नॉर्मल और पाइड के बीच का म्यूटेशन है, उसकी जो कॉस्टिंग है 4500 इंक्लूडिंग शिपिंग पैकिंग टू ऑल ओवर इंडिया। इसके बाद जो नॉर्मल कलर्स हैं उनका जो कॉस्टिंग रहेगी वो रहेगी 3000 पर पेयर इंक्लूडिंग शिपिंग पैकिंग ऑल ओवर इंडिया। और इसी के साथ ये जो प्राइस हैं हैमस्टर्स के जो बताए हैं इनमें फूड और मेडिसिन भी कवर रहेगा। और फ्रेंड्स ये भी हम कुछ आपको अपने हैमस्टर्स दिखा रहे हैं, ये सब फीमेल्स हैं, पहले जो आपको दिखाई थी वो सब मेल्स थे। हम मेल्स और फीमेल्स को कभी इकट्ठा नहीं करते हैं फॉर द सेलिंग, बिकॉज इसमें क्या होता है कि एक्सीडेंटल ब्रीडिंग हो सकती है और उसमें कब फीमेल के पास बेबीज आ जाए, कब वो डिलीवर कर दें और उसके बाद कब फीमेल की डेथ हो जाए ड्यू टू अनसर्टेनिटी कि उनके पास कोई एरिया नहीं होगा अपने बेबीज को देने का, तो स्ट्रेस में आने के कारण काफ़ी कुछ हो सकता है, तो इसलिए हम लोग अलग नहीं रखते, उनको इकट्ठा नहीं रखते हैं सर। सो आपको इसमें दिखा देना चाहता हूँ, दिस इज़ द लाइलैक कलर, बहुत ही स्वीट कलर है, सिल्वर कलर है लाइलैक कलर, ये भी बहुत रेयर है। ये वाइट है, ये ब्लैक है इधर, और ये ओपल है, OPAL इसको बोलते हैं ओपल। और अर्जेंटे जो होता है वो गोल्डन येलो शेड में होता है, वो हमने आपको पिछली उसमें दिखाया था क्लिप में। और ये वाला कलर आप देखिए बहुत ही सुंदर एडोरेबल कलर है, ये जो है अर्जेंटे मॉटल्ड है, लाइक ब्राउन टिंज विद वाइट कवरेज। तो ये सब थे हमारे पास ड्वार्फ हैमस्टर्स। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पेट्स की ओर। सो नाउ फ्रेंड्स यू आर सीइंग वन ऑफ द मोस्ट एडोरेबल क्रिएचर, सीरन हैमस्टर्स। सीरन हैमस्टर्स जो होते हैं ड्वार्फ हैमस्टर्स के मुकाबले में डबल से ट्रिपल साइज होते हैं। आप देख सकते हैं कि साइज इनका कितना बड़ा है एज कम्पेयर टू द ड्वार्फ हैमस्टर। ड्वार्फ हैमस्टर्स के नाम से ही पता चलता है कि वो ड्वार्फ हैं, छोटे हैं, लेकिन सीरन हैमस्टर जो होते हैं उससे 2 से 3 गुना बड़े साइज में रहते हैं। और इसमें भी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आई विल डायरेक्टली कवर द प्राइसेस। हमारी और भी वीडियोस हैं जिसमें हम आप और भी कलर्स देख सकते हैं, सारे कलर्स मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। इसमें जैसे प्लेन कलर, ब्राउन और ब्लैक, ये जो तीन कलर होंगे ये होंगे 3000 पर पेयर इंक्लूडिंग शिपिंग पैकिंग फ्री फूड फ्री मेडिसिन टू ऑल ओवर इंडिया। और इसमें अगर आपको क्रीम कलर चाहिए, ये वाला क्रीम कलर, या फिर आपको गोल्डन चाहिए, या फिर आपको पाइड चाहिए, या मॉटल्ड सीरीज चाहिए, मॉटल्ड माने जिनमें एक से ज़्यादा कलर हो। इनमें हाई मॉटल्ड जैसी चीज़ सीरन्स में नहीं होती है, इनमें पाइड जो होता है वो बैंडेड आते हैं ऐसे करके, एक बैंड बना होगा बीच में, ब्लैक बैंडेड आएगा, क्रीम बैंडेड आएगा, तो बैंडेड वैराइटीज होती हैं। ये जो इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी बैंडेड की और गोल्डन की, ये पड़ेगी 4500 पर पेयर इंक्लूडिंग शिपिंग पैकिंग ऑल ओवर इंडिया। सो इफ एनीवन वांट टू बाय एनी ऑफ द एग्जॉटिक पेट ही कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन और ऑन द डिस्क्रिप्शन। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेट। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पेट आई एम शोइंग टू यू आर द जर्बिल्स। आई एम सॉरी कि नीचे का जो सर्फेस है थोड़ा सा वेट हो चुका है, बट हम इसको इसके बाद वीडियो के बाद क्लीन कर लेंगे, थोड़ा सा वेट ये कंडीशन हो गई है। तो ये जो जर्बिल्स हैं इसमें भी हमारे पास दो तरह की सीरीज आती है, एक नॉर्मल सीरीज आती है और एक आती है पाइड। तो आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास इसमें पाइड जर्बिल है, ये वाला जो जर्बिल है दिस इज नोन एज द पाइड। तो इसमें अलग अलग कलर्स आते हैं, पाइड ब्लैक, पाइड में क्रीम आएगा, अलग अलग कलर्स, लाइक ये जो आप प्लेन कलर्स देख रहे हैं इसमें सब में पाइड आता है, जैसे ये वाइट कलर है और ये गोल्डन है और एक ये वाला है, ये क्रीम कलर है, ये वाला लाइलैक है और ये वाला एगोटी है, सॉरी नॉट अर्जेंटे, दिस इज एगोटी कलर। तो ये सारे जो कलर्स हैं जर्बिल्स में हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। जो प्लेन कलर्स हैं एक्सेप्ट गोल्डन एंड क्रीम आर 3000 पर पेयर इंक्लूडिंग शिपिंग पैकिंग फ्री फूड एंड मेडिसिन डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया। और जो कलर हैं पाइड या मॉटल्ड कलर्स हैं वो सब हैं 4500 पर पेयर इंक्लूडिंग शिपिंग पैकिंग फ्री फूड एंड डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया। सो थैंक्स लॉट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अगली वीडियो में भी आपको दिखाएंगे बहुत सारे एक्जॉटिक पेट्स। तो आप बने रहिए सुरेश शाह जी के चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप
हमारे ब्रांड से क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन. थैंक्स यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.